मुंगेर में 20 सालों बाद किसी ताइक्वांडो खिलाड़ी ने नेशनल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर मुंगेर का नाम किया रोशन। यह उपलब्धि मुंगेर के एक्साइज मजिस्ट्रेट माता पिता की ताइक्वांडो खिलाड़ी बेटी आन्या ने हासिल किया। आन्या ने बताया है कि हर लड़की को आज सेल्फ डिफेंस को लेकर मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के द स्पोर्ट अब स्टेडियम में 16 से 18 अगस्त के बीच नेशनल सब जूनियर ताइक्वांडो 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार की टीम ने मुंगेर के 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया था, जिसमें आन्या भी शामिल थी। टूर्नामेंट के पहले राउंड में आन्या ने यूपी, हरियाणा और तमिलनाडु को पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, पर सेमीफाइनल में दमनदीप से हार का सामना करना पड़ा। बावजूद आन्या ने कांस्य पदक जीता। जानकारी के अनुसार आन्या मूल रूप से बिहार के आरा जिले की रहने वाली है और अभी वह मुंगेर के जज कॉलोनी में रहकर जमालपुर NTD में 8वीं क्लास में पढ़ती है। उसके पिता उदय प्रताप सिंह और माता अनुपमा कुमारी दोनों मुंगेर एक्साइज मजिस्ट्रेट हैं। वो 2 बार स्टेट और 2 बार डिस्ट्रिक्ट गोल्ड चैंपियन रह चुकी है। आन्या ने मुंगेर की ओर से फरवरी में नेशनल खेला था, जिसमें वह पहले राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन अपने लगन और मेहनत के बल पर आन्या ने इस बार कांस्य पदक जीता है। कोच ने बताया है कि साल 2002 में वे खुद मुंगेर के लिए मेडल जीते थे, जबकि 2004 में मुंगेर के एक खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था, जबकि 20 साल बाद आन्या ने मुंगेर के लिए कांस्य पदक जीता है। आन्या ने बताया है कि इस ताइक्वांडो में आने की प्रेरणा उसके बड़े भाई से मिली है। वह ताइक्वांडो से बहुत प्यार करती है, माँ पिता का भी इसमें काफी सहयोग मिलता है। साथ ही बताया कि आज हर लड़की को सेल्फ डिफेंस को लेकर किसी न किसी मार्शल आर्ट सीखने की आवश्यकता है। तो मेरा भैया खेलता था बहुत पहले, उसको भी बहुत मेडल्स मिले, तो उसको देख के मेरे को प्रेरणा मिला था ताइक्वांडो खेलने का। तो अब आप मेडल लाए हैं, स्टेट भी जीते हैं, तो नेशनल में भी सब जूनियर चैंपियनशिप में आपने ब्रॉन्ज मेडल, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, तो सबको ही लगता है बहुत अच्छा। आप ताइक्वांडो खेलती हैं, तो ताइक्वांडो खेल कैसा लगता है? वो उससे तो प्यार है, ताइक्वांडो बहुत अच्छा लगता है। क्या इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं आप? अभी तो चाहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा का कितना सपोर्ट मिलता है? मम्मी पापा तो फुल सपोर्ट करते हैं मेरे को खेलने के लिए, वो कहते हैं आगे भी खेलना चाहती हो तो खेल सकती हो। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 8th में हूं। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? नॉटेडम जमालपुर। आप क्या जो क्लब है यहां पे उस क्लब का नाम? मार्शल आर्ट्स एकेडमी। आपके जो शिक्षक हैं जो आपको सिखाते हैं, उनका कितना सहयोग होता है, कैसे सिखाते हैं? वो तो बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, अगर स्टूडेंट को कुछ मिलता है तो वो तो टीचर की वजह से ही मिलता है मेडल, तो उनका तो बहुत सहयोग है। तो अब दूसरे बच्चे जो ताइक्वांडो नहीं सीखते हैं या इस तरह खेल नहीं आते, उनको क्या करना चाहिए? उनको कहना चाहूंगी कि आप भी ताइक्वांडो में आ जाइए या कोई भी मार्शल आर्ट सीख लीजिए, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा होता है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आन्या। अच्छा ये बताइए, आपकी एक शिष्या जो है आज नेशनल जीती है, मुंबई कभी नेशनल जीता था या कुछ, क्या कहें? ये 20 साल पहले मुंगेर में मेडल आया था और 20 सालों के बाद आज ताइक्वांडो में नेशनल लेवल पर मेडल आया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उससे पहले 2002 में मेरा ही मेडल था नेशनल में, उसके बाद 2004 में मेरे एक शिष्य अमृत कुमार उसका मेडल आया था, उसके बाद आज 2024 में आन्या मुंगेर में लेके आई है। आन्या खेलने में कैसी है? आन्या बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करती है, खेलती भी अच्छा है, और पिछली बार भी नेशनल में फर्स्ट राउंड हार गई थी तो काफ़ी निराश हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर उसने बहुत मेहनत किया और मेहनत का नतीजा है कि आज नेशनल लेवल पर मेडल लेके आए। निखिल कुमार।